देश के उपभोक्ता संगठनों की शीर्ष संस्था कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया CCI का 22वां स्थापना दिवस आज समारोह पूर्वक आयोजित हुआ। समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनंत शर्मा ने वैश्विक तौर पर बढ़ रही महंगाई को उपभोक्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया और इससे मुकाबले के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत बताई। वर्चुअल और फिजिकल संयुक्त रूप से आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता सेंट्रल काउंसिल ऑफ VCA NPCA नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं CCI के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार ने की। उपरोक्त संगठनों का आह्वान किया कि वे उपभोक्ताओं की समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए अधिक से अधिक प्रयास करें ताकि उन्हें सीधी राहत दिलाई जा सके। समारोह को CCI के उपाध्यक्ष आंध्र प्रदेश के डॉक्टर हरिबाबू चंदावाला, गुजरात से प्रमुख महासचिव प्रीति पांड्या, महाराष्ट्र से महासचिव देवेंद्र तिवाड़ी, तमिलनाडु से महासचिव एम सेल्वराज, उड़ीसा से ऋषिकेश पांडा सहित देश के प्रमुख उपभोक्ता आंदोलनकारियों ने संबोधित किया। जयपुर में आयोजित फिजिकल समारोह की अध्यक्षता कंज्यूमर प्रोटेक्शन ट्रस्ट के अध्यक्ष राकेश खंडेलवाल ने की। CCI के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मुकेश वैष्णव ने प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत किया। अखिल राजस्थान उपभोक्ता संगठन महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष व CCI के वरिष्ठ सचिव VP हलचल ने उपभोक्ताओं की समस्याओं पर प्रकाश डाला। केन्स के सचिव डॉक्टर विवेकानंद गोस्वामी, CCI के निदेशक कैलाश चंद्र कुमावत, कंज्यूमर्स वर्ल्ड के संपादक दुर्गेश माथुर व केन्स NI परियोजना के राज्य कोऑर्डिनेटर नृपेंद्र सिंह ने विभिन्न तकनीकी विषयों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर CCI की ओर से देश के उपभोक्ता संगठनों का चौथा राष्ट्रीय महासम्मेलन सितंबर माह में जयपुर में आयोजित करने और देश के सभी जोन्स में राष्ट्रीय कार्यशालाएं करने की भी घोषणा की गई। उल्लेखनीय है कि CCI का गठन 6 मई 2001 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ था। स्थापना दिवस के अवसर पर केक भी काटा गया। अतिथियों का शॉल व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया CCI के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। मंच पर जो बहुत आंदोलनकारी साथी बैठे हैं, मेरे सामने जो लोग हैं और उन सबसे आगे बढ़कर हिंदुस्तान के कोने कोने में कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए उपभोक्ता संगठनों के जो मेरे आंदोलनकारी साथी हैं, उनको जो कड़ी मेहनत कर एक संघर्ष के जरिए उन्होंने हिंदुस्तान में CCI को खड़ा किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। शिखर पुरुष के रूप में CCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुझे जो सम्मान मिलता है, देश विदेश में मुझे उपभोक्ता हितों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, ये मेरे आप कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। CCI की सफलता के रूप में जो मुकाम हमने हासिल किया है वो आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। आज हम जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, सफलता के इन मुकामों तक पहुंचाने में मेरे कितने ही साथी संघर्ष के दौरान बलिदान हो गए। हमारे भी आज उपभोक्ता आंदोलन के कई साथी पिछले लंबे समय के दौरान CCI में काम करने के दौरान भी, संघर्ष के दौरान भी बलिदान हुए। ये मौका है जब सबसे पहले मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। साथियों, उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए और शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था के निर्माण के लिए हमने जो लड़ाई लड़ी है वो अभी भी एक शुरुआत भर है। मैं कहना चाहूंगा अभी तो यह लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी हमें बहुत बलिदान और करने होंगे, इस संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा और यह आप कार्यकर्ताओं की शक्ति के भरोसे ही इस सफलता को हम और भी अधिक और उस लक्ष्य तक पहुंचा सकेंगे जिसके उद्देश्य से 6 मई 2001 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। मुझे बता के खुशी है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वो इमारत रहा है जिसने हिंदुस्तान के संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ही वो इमारत रहा है जहाँ CCI की बुनियाद रखी गई थी। इन 21 वर्षों के दौरान
हिंदुस्तान के कोने कोने में। हमने न केवल उपभोक्ताओं को उनकी जागरूकता के लिए सशक्त किया है, संगठित किया है, बल्कि सरकारी स्तर पर भी नीतियों में बदलाव के जरिए आम उपभोक्ता को राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की। Thanks a lot of watching the video. Please feel free to give suggestion. Send motivational videos for the of benefit society. Raise your voice by making and sending plays, stories etc. Let us create awareness together. Please feel free to call us if you require any help. You can also be a part of our team or channel as a member or associate. Please call us our contact phone no at 9818003990 or on another phone no at 9540003999 or email at info.consumertimes@gmail.com. Visit our website www.consumertimes.in. Please like this video. Please like, share and subscribe our channel will motivate our team to work hard. Thank you.